ठीक हूँ, वेरी गुड। तो मैम कब से आप क्लब में आ रहे हैं और आप क्या रिजल्ट रहे? अच्छा, अब थोड़ा ठीक होके आई हूँ। पहले तो थोड़ी तबीयत ढीली रह रही थी, हार्टबीट की प्रॉब्लम थी। जैसे मैं शुरू करती थी ये एक्सरसाइज, लेकिन अब नहीं हो रही है। 1 महीने से, फर्स्ट वाले 1 महीने में तो काफी हो रही थी मुझे, 2-3 बार प्रॉब्लम हो चुकी थी। पहले अभी पे आप आपको टाइम कितना हो क्लब में आते हो? 2 मंथ होने वाले हैं अभी, 2 मंथ होने वाले हैं। और जब आपने एक्सरसाइज करना शुरू की तो आपकी हार्ट बीट बड़ी फास्ट जाती थी, राइट? हार्ट बीट बहुत फास्ट होने लग रही थी बीच बीच में। जो मेरी प्रॉब्लम है पहले की, वो हो रही थी और अब नहीं हो रही, 1 महीने नहीं हुई है। क्या बात है, क्या बात है, शानदार क्लाइंबिंग। उसके अलावा आपकी कितने, आपके एनर्जी लेवल कितना बढ़ गया? एनर्जी लेवल मतलब बॉडी में पहले से जान कितनी आ गई, एनर्जी लेवल कितना हो गया? वो तो बहुत अच्छा हो चुका है, वरना मैं बहुत परेशान हुई थी। इस बार की गर्मी में जैसे हुई तो मैं खाना भी अच्छे से बना पाती हूँ खड़े होके। अब पहले मैं इतनी परेशान हो रही थी, गर्मी है मतलब घुटन महसूस होती थी मेरे को, लेकिन अब घुटन महसूस नहीं होती, आराम से मैं खाना बना पाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके अलावा आपका वेट लॉस भी हुआ है कुछ 1-2 किलो? मेरा विटामिन डी कम होते हुए भी 2.5 किलो वेट कम हो चुका है। क्या बात है, क्या बात है, मेरी बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। 2 महीने में 2.5 गया है, क्योंकि मैम का विटामिन डी काफी कम था, फिर आपने उसको बढ़वाया था। और इसके अलावा मैम आपकी खुशियाँ कितनी बढ़ गई, पहले से मूड कैसे रहने लगा है? मूड तो खैर पहले भी फ्रेश रहता था, अभी भी फ्रेश रहता है, लेकिन जब से क्लब ज्वाइन किया है तब से शायद और ज्यादा खुशी होने लगी है। वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग, अमेजिंग। और हरीश सर आपके क्या रिजल्ट रहे? मुझे पता है ना मेरा विटामिन डी कम है, वरना अब तक काफी हो जाता मेरा। और कुछ कहना ही नहीं है, वो तो बहुत इंक्रीज हुआ है, वो कुछ कहने वाली बात है। उसके अलावा सर आपने, उसके अलावा हरी सर आपके क्या चेंज आए हैं? डेफिनेटली यू आर स्माइलिंग पर्सन, आप मुझसे हंसते रहते हो, लेकिन अपर बॉडी में जान पहले से बड़ी है। हाँ, मेरा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत इंक्रीज हुआ है। पहले हम लोग देखता था ना, कभी कभी जैसे मीटिंग के लिए कभी दूसरे फ्लोर पर जाना होता था तो सांस बहुत ज़्यादा था सीढ़ी चढ़ते समय, लेकिन अब तो अगर थर्ड फ्लोर पर जाएगा तो बिना लिफ्ट के मैं पहुँच जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को। तो सर आपने क्या क्या चेंज किया अपने लाइफस्टाइल में, कुछ चेंज किया आपके ईटिंग हैबिट्स में, कुछ चेंज किया? बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया मैंने, कुछ किया था खाली अपना जो न्यूट्रिशन है उसको हम रेगुलर ले रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और बाकी किसी चीज़ में हमने कुछ चेंज किया नहीं। रूटीन सिस्टम हमारा जैसे चलता है वैसे ही, लेकिन एक्सरसाइज को हमने कभी भी नहीं छोड़ा है, न्यूट्रिशन को टाइम से लिया है। क्लब में लगातार आ रहे हैं और आपने अपना डाइट पूरा किया है, यही सबसे बड़ा चेंज है। बाकी आपका ईटिंग पैटर्न पहले से ज़्यादा खराब नहीं था, सोने का तरीका भी आपका ठीक था, तो इतने अच्छे आप अपने कोच का थैंक यू बनता है। राकेश सर, सोनिया मैम का और आप सबका, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपके जस्ट ने काफी लोगों को इंस्पायर किया है कि विटामिन डी कम होने के बावजूद मैम का रिजल्ट आया है। हालांकि पहले मंथ नहीं आया था, और जिस किसी को हार्ट की समस्या है, जिसका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है ड्यूरिंग वर्कआउट, काफी लोगों का